आज हम फिर से तकमील कुरान पे जा रहे हैं, दो जगह और दोनों जगह हम अटेंड करेंगे। उस्ताद जी, मैं चाहती हूँ कि जिस महफिल में हम इतनी तकमील कुरान वाली महफिल अटेंड करें ना, कि जहाँ ऐसे फरिश्ते उतरे ना, बस उनको हम दो का चेहरा नजर आए। हाँ, ओके, ये तो बहुत बड़ी भिखार ने, इनको तो सबसे पहले दो अल्लाह पाक, इनको पहले दो। हाँ, इनके लिए कुन कहो आज बस। तो अब हम कुन इस रमजान में हमने अपनी हर ख्वाहिश पे कुन करवाना है इंशाल्लाह। आज हम इस ओके इधर है आज ढूंढी कहाँ से है? ये मस्जिद निकाली कहाँ से आपने? ये बहुत अच्छा पहले ये ना न्यू मुल्तान में या न्यू मुल्तान की मस्जिद शहर थे, पता नहीं कहीं ना कहीं दर्स देते थे, तो मैंने इनका एक दफ़ा सुना हुआ है। अच्छा, आई लव इट। तो आज इनकी बेटी के साथ भी मेरी है व्हाट्सएप पे। अच्छा, उन्होंने अपने फादर के लिए लगाया था कल। नाम क्या? ख्वाजा अब्दुल कलाम कुरान महल। अच्छा, ये है मस्जिद कुरान महल। क्या बात है या मैं यूनिवर्सिटी टाइम में ऐसी जगहों पर गई हूँ या आज। कंजर्वेशन और हेरिटेज में भी हमें इतनी मुश्किल जगहों पर नहीं कराया जाता था जहाँ आप ले आएंगे सारी। दरवाजे यहाँ से खुल गए, रुकी चेक तो कर देते। लॉक है, लॉक। ये रास्ता ऐसे जन्नत ले जाएगा। एक और सीढ़ी आई ना, बट नाइस।
अल्लाह हू मैं तू छाए दिल
इसका जो नुकसान है वो क्या है? कि नुकसान में मैं सिर्फ दो मिसालें इस वक्त अर्ज कर रहा हूँ, बात समझने के लिए। देखिए, आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में आप रुकू फरमाते हैं, रुकू में आप तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अलअज़ीम, सुबहान रब्बी अलअज़ीम। ये ज़ोए है, इस ज़ोए को अदा करने का रास्ता ये है कि ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों से लगाएंगे और पूरी ज़बान को ऊपर तालू की तरफ उठाएंगे। सुबहान रब्बी अलअज़ीम, सुबहान रब्बी अलअज़ीम। तो इसके मानी है पाकीज़गी मेरे रब की है जो निहायत अजमत वाला है, बुलंदी वाला। अब हम इसको आम अंदाज से पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बी अलअज़ीम, सुबहान रब्बी अलअज़ीम। अब ज़बान नीचे लग रही है तो ये ज़े अदा हो रही है ज़ोए की वजह। अब मानी क्या हो गए? पाकीज़गी मेरे रब की है जो मेरा गहरा दुश्मन है। अब देखें मानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि सही तरफ को सीखा जाए, ताकि इस तरह की गलतियों से, गैर इरादी भी गलतियाँ हैं, लेकिन तब भी इससे बचने जो है वो ज़रूरी है। माल का उन्होंने भी सिर्फ तुम इबादत करते हो, तुम्हारा माबूद और मेरा माबूद और हम दोनों में एक कैसे हो सकते हैं? वला अंतुम आबिदूना, नहीं हो तुम इबादत करने वाले। मा आबूद, इसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुन मा अबदतुम, इस वक्त भी मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं कर रहा, आइंदा भी मुझसे तवक्को न रखना। वला अना आबिदुन, नहीं हूँ मैं इबादत करने वाला। मा अबदतुम, जिसकी तुम इबादत की, जिसकी तुम अब तक इबादत करते चले आ रहे हो और उनको छोड़ कर मेरे माबूद की इबादत करोगे, और मुझसे तवक्को रखोगे तो मैं तुम्हारे माबूद की इबादत करूँगा। ये नाम मुझे में से तुम तो करोगे, लेकिन तुम्हारी इबादत इबादत नहीं होगी, ये रस्मी इबादत होगी, इबादत नहीं होगी, लेकिन मैं ये रस्मी इबादत नहीं करूँगा। तो कह रहे हो कि हम इबादत करेंगे, लेकिन तुम्हारे बला तुम नहीं हो, तुम आबिदू में इबादत करने वाले। माँ आत्मा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, कैसे हो? तो कह रहे हैं कि हजरत आप हमारे साथ मुहैया करें, हम इतने अरसे के लिए आपके महबूब की इबादत करते हैं। लेकिन अभी ऐसा भगवान है कि तुम मेरे महबूब की इबादत करने वाले हो नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह मशरूब महबूब नहीं। यदि कुछ वक्त के लिए तेरी इबादत कर लें, कुछ वक्त के लिए उसकी इबादत कर लें, कुछ कहने के लिए इस दुकान से सामान खरीद लें, कुछ वक्त के लिए उस दुकान के साथ नहीं। तो मैं तुम जो इबादत करोगे रस्मी तौर पर मुआहदे के साथ, ये हकीकी इबादत नहीं। अल्लाह की इबादत तो वह है जो इखलास नीयत के साथ की जाए, जो इबादत होगी जो इखलास नीयत के साथ नहीं, मशरूब की जाए और वक्त मुकर्रर कर दी जाए, तो अल्लाह की इबादत इबादत नहीं होगी। अल्लाह की इबादत तो गैर मशरूब होगी, या इबादत कहते किसको है? तो ये इस्तिराक की जो तारीफ है उसको जहन में रखना, जाहिर करना, उसके हुक्म की तामीर करना, कुछ होगा। इसके मानी है कि मशरूब इबादत है, कि इबादत की, और इस बात को अल्लाह ताला ने सूरत के दरवाजे फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब देखो कि आज हमारी तादाद बढ़ गई, आज हमें ये हुकूमत हासिल हो गई, आपने ये इख्तियार हासिल हो गया। हजरत कुबरा के किरदार नंबर से जो पैदा हुए, कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहि सलाम के पहले बेटे हैं जो रज़ी अल्लाह अन्हु से पैदा हुए, इस वजह से हजरत की दुनिया का बहुत खास है। इन्हीं खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये चार बेटियाँ पैदा हुई कासिम के बाद। तो ये इसकी बहुत भूख लग गई है और अब हम बहुत सारा खाएंगे।